खबर लखनऊ से, जहां पर डबल मर्डर मामले में खौफनाक खुलासा हुआ है। नाबालिग बेटी ने ही मां और भाई की हत्या की थी। दरअसल डिप्रेशन की शिकार है नाबालिग लड़की। मर्डर के बाद तीसरी गोली शीशे में बनी अपनी तस्वीर पर ही मार डाली। लड़की के कमरे से कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें भी मिली हैं। नाबालिग लड़की ने कंकाल की फोटो पर खुद की तस्वीर बनाई। तो लखनऊ में जिस तरह से डबल मर्डर का मामला सामने आया और खुलासा हुआ, जहां एक बेटी ने ही अपने भाई और अपनी मां को मौत के घाट उतार डाला, तो ऐसे में कुछ और खुलासे, खौफनाक खुलासे हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मानसिक स्थिति यहां पर कुछ लड़की की ठीक नहीं है, डिप्रेशन की शिकार है नाबालिग लड़की। तो मर्डर के बाद तीसरी गोली जो है वो शीशे में बनी अपनी तस्वीर पर चलाई थी। कमरे पर कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें भी यहां से पुलिस को बरामद हुई है। कहा जा रहा है कि नाबालिग लड़की ने कंकाल की फोटो पर खुद की तस्वीर को बनाया था। डिप्रेशन के चलते, मानसिक स्थिति ठीक न होने के चलते कहा जा रहा है कि लड़की ने ऐसा कदम उठाया, मां और अपने भाई को ही मौत के घाट उतार डाला। तीन गोलियां चलाई और जो अंतिम गोली चलाई वो शीशे पर खुद की तस्वीर पर चलाई है, कहा जा रहा है। तो कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें भी यहां से पुलिस को बरामद हुए हैं। और गगन मिश्रा फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गगन, मामला काफी उलझा सा पहले प्रतीत हो रहा था, लेकिन कल जब खुलासा हुआ कि आखिरकार बेटी ही हत्यारा निकली, और अब जब लगातार जांच की जा रही है तो कई नए तथ्य इसमें सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल ही ये साफ हो गया था कि जो माँ और बेटे की हत्या हुई है उसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने आसानी से 4 घंटे में पता लगा लिया था कि जो हत्या है उसको अंजाम उन्हीं की बेटी, जो नाबालिग बेटी है, जो कक्षा 9 की छात्रा है, उसी ने अंजाम दिया है। क्योंकि वो नेशनल लेवल की शूटर थी, उसको अपने उसके पास एक .22 बोर का एक असलाह था, उसी से उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद जब उसके कमरे की तलाशी ली गई थी, उसके बाद जो सामने तस्वीरें आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। वो आज के परिप्रेक्ष्य से भी चौंकाने वाली थी कि जो डिस्टेंस बन रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का, वो कितना खौफनाक रूप ले सकता है, वो इस हत्याकांड से पता चलता है। एक बेटी जो अपने ही घर में अजीब अजीब तस्वीरें बनाती थी, उसने एक कंकाल बनाया हुआ था, उसके जो घर पे मेज रखी हुई थी, जितनी भी टेबल रखी हुई थी वहां पर उसने कंकाल बनाए थे, उसने कंकाल की आंखों में अपनी तस्वीर लगाई थी, उसका बकायदा एक नाम रखा था जिसका नाम रोम रखा था, कंकाल का नाम, एक कंकाल का नाम डोम रखा था। उसके बाद उसने एक स्माइली बनाई थी जिसके आंसू बहते हुए थे। तो शायद उन जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का डिस्टेंस है वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि गगन जिस तरह से आप ये परिजन और बच्चों के बीच में एक बीच में जो गैप बताया जा रहा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या कुछ और लोगों ने इसको लेकर ये बात कही है कि कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो माता पिता और बच्चों में रहा, बेटी में रहा, क्या इस तरह का कोई व्यवहार उससे किया गया जिसके चलते ये नतीजा यहाँ पे? देखिए, क्योंकि उनके जो पिता हैं आरडी वाजपेयी, जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं, उनसे तो बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वो इतना शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को खोया है और अपनी बेटी को भी एक तरह से खो दिया है। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि बेटी और उसकी माँ के बीच में बातचीत नहीं होती थी। उसके पिता पहले से ही 1.5 साल पहले ही दिल्ली चले गए थे, बहुत ही बिरले लखनऊ आ पाते थे क्योंकि वहां पर उनकी पोस्टिंग थी। तो जो डिस्टेंस हो चुका था, जैसी तस्वीरें ऑनलाइन टीवी दिखा रहा है कि एक स्माइली बनाई है उसने, उसने आंसू बहते हुए दिखाए हैं, एक कंकाल बनाया है जिसने उसने बकायदा एक नाम रखा था, तो वो जो उसके भीतर चल रहा था, उसके अंदर चल रहा था। क्योंकि कई मनोचिकित्सक से बात की हमारी इस घटना के बाद, जब ये घटना में बेटी का नाम सामने आया तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में डिस्टेंस बन रहा है, सबसे बड़ी जो कारण बनता है ऐसी खौफनाक घटनाओं का वो यही होता है कि बच्चों के साथ जो माँ बाप नहीं बात करते हैं, आखिरकार उनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि कक्षा 9 की छात्रा है, नाबालिग छात्रा है, अब वो नेशनल लेवल की शूटर है, उसमें कलाएं थी, वो कई मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उसके बाद अच्छा भविष्य हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस मामले से समझना होगा कि बच्चों का जो परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ाव होता है वो किस तरह से होता है, और ये जुड़ाव ना हो तो आगे क्या स्थिति यहाँ पर पनप जाती है। धन्यवाद आपका गगन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।